हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल्स आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ऐसे फ्रूट्स के बारे में। मैं आज आपको यहाँ पे बताऊंगा 6 ऐसे फ्रूट्स के जो आपके शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 ऐसे फ्रूट्स के बारे में आज मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो आपके शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं। तो जो लोग मोटे हैं, यानी कि जो ओबेसिटी से पीड़ित है, जिनका वजन बार बार बढ़ जाता है, जो लोग अपना वजन कम करते हैं वापिस वजन बढ़ जाता है, या जो लोग ऑलरेडी अपने वजन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, गेन हो रहा है जिनका बॉडी वेट और कम करना चाहते हैं, यानी कि जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, जो लोग ओबेज हैं, वैसे लोगों को इन 6 फ्रूट्स का सेवन नहीं करना है। मतलब कि उन लोगों को ये 6 फ्रूट्स को अवॉइड करना है। और जो लोग बिल्कुल पतले हैं, जिनका शरीर नहीं बढ़ रहा है, जो लोग मोटापे से पीड़ित नहीं है, वैसे लोगों को इन फ्रूट्स का सेवन करना है। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से मोटापे को स्थौल्य कहा जाता है और पतलापन को कार्श्य कहा जाता है। जो लोग स्थौल्य से पीड़ित होते हैं, यानी कि मोटापे से पीड़ित होते हैं, उन लोगों का मेटाबॉलिज्म वीक होता है, उनकी पाचन क्रिया कमजोर होती है। और ये जो 6 फ्रूट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये पाचन में यानी कि डाइजेशन में हैवी होते हैं, पचाने में भारी होते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये गुरु होते हैं, यानी कि हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, कफ प्रधान होते हैं और हमारे शरीर में वसा यानी कि चर्बी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जो लोग पतले हैं वो लोग इन फ्रूट्स का सेवन हमेशा से करें, जरूर से करें, और जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं वो इन 6 फ्रूट्स का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन से ऐसे 6 फ्रूट्स हैं, कौन कौन से ऐसे 6 फ्रूट्स हैं जो हमारा वजन बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला वजन बढ़ाने की श्रेणी में जो फ्रूट आता है, वो फ्रूट आप सब लोग जानते हैं, वो है फलों का राजा मैंगो। मैंगो यानी कि आम जिसे कहा जाता है, आम जो है वो सबसे ज्यादा वेट गेन करने वाला फ्रूट माना जाता है। आम शरीर में कफ की वृद्धि करता है। अगर हम 100 ग्राम मैंगो में कैलोरी का काउंट करें तो 100 ग्राम मैंगो में तकरीबन 60 कैलोरीज पाई जाती है, जो बहुत ज्यादा है। एक आम आदमी की पूरे दिन की कैलोरी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1800 कैलोरी के आसपास होती है। और अगर हम दिन में 3 से 4 आम खा जाएंगे तो तकरीबन 200 से 300 कैलोरी हमें आम से ही प्राप्त हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, जो अपना वजन कम रखना चाहते हैं, वैसे लोग आम का सेवन ना करें। और अगर वो आम का सेवन करते हैं तो आम का सेवन रोज ना करें। आम का सेवन अगर उनको करना है तो आम का रस निकाल कर ना पिए, आम को काट के खाएं। आम को खाने के साथ ना खाएं, आम को अकेला खाएं और सुबह 11-12 बजे से पहले खाएं, ताकि ओवर पूरे दिन में वो डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों, आम हमारा सबसे पहला फ्रूट है इस श्रेणी में के जो वजन बढ़ाता है। अब आइए देखते हैं दूसरा ऐसा कौन सा फ्रूट है जो हमारी बॉडी का वेट बढ़ा सकता है। दूसरा फ्रूट है, वो भी आप लोगों को पता ही होगा, बनाना यानी कि केला। केला जो है वो हमारा वेट गेन करने में हमें बहुत ज्यादा सहायता प्राप्त करता है। यानी कि जो मोटापे से पीड़ित लोग हैं वो केले का सेवन बिल्कुल ना करें, और जो लोग पतले हैं, जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, वो केले का सेवन जरूर से करें। दोस्तों, अगर हम कैलोरी काउंट करने जाएं तो 100 ग्राम केले में 89 कैलोरीज मिलती है, जो बहुत ज्यादा है। अगर हम 3 केले खाएंगे तो तकरीबन 300 के आसपास कैलोरी हमारी बॉडी को मिल जाती है। तो दोस्तों, जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, जो अपना वजन बढ़ाना नहीं चाहते हैं, वो लोग केले का सेवन ना करें। जो वजन बढ़ाना चाहते हैं वो केले का सेवन जरूर से करें। वजन बढ़ाने वाले फ्रूट्स की सीरीज में तीसरा नंबर आता है चीकू। चीकू जो है ये वजन बढ़ाने वाले फ्रूट्स की श्रेणी में तीसरे नंबर पे आता है। 100 ग्राम चीकू में अगर हम कैलोरी का काउंट करें तो 83 कैलोरीज हमें प्राप्त होती है। 100 ग्राम चीकू में से 83 कैलोरीज प्राप्त होती है। चीकू अपने आप में विटामिन सी का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और आम जो है वो अपने आप में विटामिन ए का बहुत बड़ा सोर्स है। चीकू विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन ये वेट गेनिंग फ्रूट्स है। जिन लोगों को भी अपना शरीर का वजन बढ़ाना है, वो लोग दूध में चीकू का मिल्कशेक बनाकर पियेंगे तो उनका वेट गेन होगा। और जो लोग अपना वजन नहीं बढ़ाना चाहते, जो मोटापे से पीड़ित है, वो लोग चीकू का सेवन न करें। अब वजन बढ़ाने वाले फ्रूट्स की श्रेणी में चौथे नंबर पे आता है ग्रेप्स, यानी कि अंगूर जिसे कहा जाता है, गुजराती में जिसे द्राक्ष कहते हैं। दोस्तों, अंगूर है वजन बढ़ाने वाले फ्रूट्स की श्रेणी में आता है। 100 ग्राम ग्रेप्स में अगर हम कैलोरी का काउंट करें तो 67 कैलोरीज हमें प्राप्त होती है। और अंगूर जो है वो स्वाद में मीठे होते हैं, पचने में भारी होते हैं, गुरु होते हैं और शरीर को ग्रहण करने वाले यानी कि वजन को बढ़ाने वाले फ्रूट है। तो आप अगर वजन बढ़ाना नहीं चाहते तो अंगूर का सेवन ना करें। दोस्तों, वजन बढ़ाने वाली फ्रूट की श्रेणी में
पांचवें नंबर पे आता है कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल का मतलब होता है सीताफल। सीताफल वजन बढ़ाने वाले फ्रूट की श्रेणी में आता है और 100 ग्राम सीताफल में अगर कैलोरी का काउंट करें तो वो 94 कैलोरीज हमें प्राप्त करवाता है, जो बहुत ज्यादा है। मतलब एक सीताफल अगर हम खाते हैं तो 94 कैलोरीज प्राप्त होती है और ये स्वाद में मीठा होता है, इसीलिए ये वजन को भी बढ़ाता है और शरीर को ब्रूहण करने वाला यानी कि हमारे शरीर की धातुओं को नरिशमेंट करके बॉडी को बढ़ाने वाला फ्रूट है, इसीलिए सीताफल को पांचवें नंबर पर रखा गया। उसके बाद आखिरी और छठे नंबर पर जो फ्रूट आता है वजन बढ़ाने वाले फ्रूट की श्रेणी में, उसका नाम है डेट्स यानी कि खजूर। 100 ग्राम खजूर में से 282 कैलोरीज प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, जितने भी फ्रूट्स मैंने आपको बताए उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी अगर हम देखने जाए तो वो खजूर में से प्राप्त होती है। अगर हम 100 ग्राम खजूर खाएंगे तो उसमें से 282 यानी कि 282 कैलोरीज हमें प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, खजूर जो है ये सबसे ज्यादा वेट गेन करता है 6 और 6 फ्रूट्स में से। तो ये आज आपको मैंने बताया 6 फ्रूट्स, सबसे पहले आम, दूसरा केला, तीसरा आपको मैंने बताया चीकू, चौथा बताया आपको ग्रेप्स, पांचवा कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल और छठे नंबर पे मैंने आपको बताया खजूर। दोस्तों, ये 6 फ्रूट्स हमारे शरीर को वजन बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पतले लोग इसका सेवन जरूर से करें, जो लोग मोटापे से पीड़ित है वो इन फ्रूट्स को अवॉइड करें। दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, जरूर से मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से इसको शेयर करें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।